हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, अगर आपके पास जियो का नंबर है तो जियो के पूरे रिचार्ज प्लान चेंज हो चुके हैं, जिनके बारे में ही आपसे मैं बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, पहले आप लोगों को पता होगा, जब भी अपन जियो के नेटवर्क से किसी भी अदर नेटवर्क पर कॉल किया करते हैं, यानी कि BSNL, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, यहाँ तक कि जियो पे भी, तो यहाँ पर अपन को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता, अपनी कॉलिंग बिल्कुल फ्री हुआ करती थी। लेकिन फ्रेंड्स, अब से मैं बात करूँ तो अगर आप जियो टू जियो अगर कॉल करते हो तो यहाँ पर आपकी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर उसके अलावा आप किसी भी अदर नेटवर्क पर कॉल करते हो, यानी कि BSNL, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, तो यहाँ पर आपको पर मिनट के 6 पैसे IUC चार्ज देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी अदर नेटवर्क पे कॉल करते हो तो कितने रुपए का यहाँ पर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, कौन कौन से जियो ने रिचार्ज यहाँ पर लॉन्च कर दिया, उनके बारे में ही इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। और साथ में यहाँ पर ये बात करने वाला हूँ कि 10 अक्टूबर के बाद में भी अगर आप किसी भी अदर नेटवर्क पर कॉल करते हो तो यहाँ पर आपके चार्ज लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सारी बातें यहाँ पर आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, ऐसी टेक और अपडेट से रिलेटेड वीडियोस डेली देखने के लिए आप इस चैनल पर जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आपने जियो से अदर नेटवर्क पे अभी भी कॉल किए हैं 1-2 दिन में, तो यहाँ पर आपके चार्ज कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कॉल किए हैं 1-2 दिन से और यहाँ पर मेरा कोई भी चार्ज नहीं ले रहा है जियो, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहाँ पर जियो को ओपन करोगे एप्लीकेशन को, तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में एक तरह का अमाउंट देखने को मिल रहा होगा, 7 रुपये 70 पैसे। ये मैंने 10 रुपये का रिचार्ज पता नहीं कब किया था, मुझे तो याद भी नहीं। और यहाँ पर मैंने कल कॉल किए हैं, आज अदर नेटवर्क पर कॉल किए, आज भी किए हैं, यहाँ पर मेरा अमाउंट बिल्कुल कट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर देखा जाए तो वो कट जाना चाहिए था पर मिनट के 6 पैसे, जबकि कोई भी चार्ज यहाँ पर मेरा नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्या रीज़न हो सकते हैं क्यों यहाँ पर जियो अभी चार्ज नहीं ले रहा है, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। और साथ में यहाँ पर आपको मैं रिचार्ज के बारे में जो पहले सबसे बता देता हूँ, तो नीचे की साइड यहाँ पर आपको एक रिचार्ज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उस पर आप क्लिक करके जो भी रिचार्ज यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि नए लॉन्च हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो 399 वाला एक रिचार्ज है, जो कि यहाँ पर अपने आप से सिलेक्ट है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से रिचार्ज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। रिचार्ज को जैसे सेलेक्ट करते हो तो उसके नीचे यहाँ पर आपको पैसे देखने को मिल जाएंगे कि अगर आप 399 का रिचार्ज करते हो, उसके साथ में 10 रुपये का और रिचार्ज करते हो, तो यहाँ पर आपको 124 IUC मिनट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि अदर नेटवर्क पर कॉल करने के लिए दी जा रही है आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देख सकते हो, ऐसे यहाँ पर आपको 1000 रुपये तक की IUC मिनट का आपको रिचार्ज देखने को मिल जाता है, जो कि आप 1000 रुपये का रिचार्ज करेंगे तो उसमें आपको 1474 मिनट्स देखने को मिल जाती हैं, जो कि 1474 मिनट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं। और उसके बाद में अगर आप और भी डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको बताया गया है। तो फ्रेंड्स, 10 रुपये में आपको 10 GB मिलता है, सॉरी 1 GB मिलेगा, 20 में 20 GB, या अगर आप 50 का कराओगे तो 50 में यहाँ पर आपको 5 GB मिल जाएगा, ऐसे ही 100 में कराओगे तो 10 GB है, और 500 का कराओगे तो 50 GB मिल जाएगा, 1000 का करा रहे तो 100 GB मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको फ्री में दे रहा है जियो की तरफ से। तो ये एक तरह से प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर और भी प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा, जब भी अपन नॉन प्राइम मेंबर की सिप का अपन रिचार्ज कराया करते थे, जो कि हर साल के लिए 99 रुपये का, वो भी जियो ने अब उसको बंद कर दिया एक तरह से। अपन मैंने तो शायद ही एक बार कराया था, उसके बाद मैंने अभी तक उन प्राइम मेंबर का कोई रिचार्ज नहीं कराया है, और सारी एप्लीकेशन मैं जियो की बिल्कुल यूज़ कर रहा हूँ फ्री में, क्योंकि प्राइम मेंबरशिप उसके लिए ही होता है और कॉलिंग के लिए भी होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी प्राइम मेंबरशिप बिल्कुल फ्री में चल रही है। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, दो पॉइंट्स आपको मैं बता दिया हूँ, जो कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट देने वाले, जो कि एक आपको मैं बता रहा था कि 10 रुपये में अगर आप रिचार्ज कर रहे हो तो उसमें आपको 1 GB मिल जाएगा, और दूसरी बात, प्राइम मेंबरशिप का भी यहाँ पर अपन जियो में फ्री में अपन को दे रहा है एक तरह से। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स अदर नेटवर्क की, तो फ्रेंड्स अदर नेटवर्क में आप लोगों को पता हो तो अदर नेटवर्क में अपन जब भी एक महीने का गैप ले लेते हैं, मान लीजिए अपन ने कोई रिचार्ज नहीं कराया उसमें, तो अगर आप एक महीने का गैप लेते हो तो वहाँ पर आपको एक नॉर्मली इनकमिंग कॉल के लिए आपको 35 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ता है पर महीने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोई इतना ज़्यादा घाटा नहीं है, जो कि अदर नेटवर्क में, मतलब कहते हैं कि भाई अदर नेटवर्क अच्छे हो चुके हैं अब, एयरटेल आइडिया, उनमें यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। जबकि मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ मैं क्लियर करा देता हूँ कि मान लीजिएगा अदर नेटवर्क में अगर आप चले जा रहे हो और उसमें अगर IUC चार्ज आपसे लेने लगा, तो फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ, जो जियो ही है जो कि आपसे मतलब इतना कम चार्ज ले रहा है, अदर नेटवर्क में आप उस चार्ज को देखोगे तो फ्रेंड्स वो चार्ज काफ़ी ज़्यादा शायद वो आपसे वो ले सकती है वो कंपनी, जो कि BSNL, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, जो भी हो, तो वो आपसे IUC चार्ज लेगी, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज ले सकती है। 10 रुपये यहाँ पर ले रही है जियो, और वो शायद 50 रुपये 60 रुपये तक का ले लें, कोई भरोसा नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, तो फ्रेंड्स ये घाटा आपको देखने को मिल
सकता है अगर आप जियो में पोर्ट, जियो से अदर कंपनी में पोर्ट करने की सोच भी रहे होंगे तो ऐसा कुछ। तो यहाँ पर आपको और मैं चीज़ें क्लियर कर दूँ तो फ्रेंड, दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप उस एप्लीकेशन में जाते हो और यहाँ पर अपना एप्लीकेबल हो जाता है जो कि अप्लाई हो जाना चाहिए 10 तारीख के बाद में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका मिनट्स आप 10 रुपये का रिचार्ज करा लेते हो मान लो रिचार्ज के बाद में, फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, तो अगर आपका रिचार्ज मान लीजिए कल 9 तारीख से ही आपने, सॉरी 9 तारीख को आपने किया था अक्टूबर में, और मान लीजिएगा वो रिचार्ज की वैलिडिटी जब तक है 3 महीने वाला किया है जो भी, तो शायद वो आपका उसके बाद में एक्टिव होगा 10 रुपये वाला रिचार्ज। उससे अगला अगर आप रिचार्ज करा दो 399 वाला, तो उसमें आपको 10 रुपये जोड़ने पड़ेंगे, मान लीजिए 10 जोड़ने या जो भी जोड़ने, तो 124 मिनट्स आपको IUC मिल जाएंगी अगर अब तक वो वर्क नहीं कर रही है। जबकि देखा जाए तो यहाँ इंटरफेस पर आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स देखने को मिल जानी चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको रिचार्ज के बारे में बताया गया है कि आपका डाटा कितना बचा हुआ। ऐसे ही यहाँ पर IUC मिनट का अभी तक कोई भी यहाँ पर इंटरफेस मतलब अपडेट नहीं किया है, जबकि देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी इंटरफेस अपडेट हो जाना चाहिए था। यहाँ पर आपको मिनट्स के बारे में देखने को मिल जानी चाहिए थी कि कितनी मिनट्स मेरी यूज़ हो रही हैं कि कितनी नहीं, तो यहाँ पर आपका अभी तक कोई भी नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि अपडेट के बाद में जुड़ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैं कन्फर्म करा दिया हूँ, यहाँ पर आपका चार्ज अभी भी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है, कि आप पता कब से स्टार्ट हो जाए, अभी चालू नहीं किया हो या फिर अदर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही हो, सॉरी अदर नंबर का कि मेरे नंबर पर नहीं एक्टिव हुआ हो, किसी और नेटवर्क पर जियो के वाले पर एक्टिव हो गया हो, तो फ्रेंड्स कई चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दिया हूँ, और रिचार्ज के बारे में, अपडेट्स के बारे में जो कि जियो ने लॉन्च कर दिया उनके बारे में भी आपको बता दिया हूँ, और साथ में यहाँ पर आपको कुछ प्लस पॉइंट भी बता दिया हूँ जो कि जियो के रिचार्ज के। तो फ्रेंड्स सारी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कुछ प्रॉब्लम्स आपको लगती है तो वीडियो में कमेंट्स जरूर करिएगा, वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर कर देना फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, और जाते जाते फ्रेंड्स आपको लास्ट में 3 वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।